खतरा हो गया था, कतर में बैठे हैं कि अपने यहाँ की पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो दोस्तों ऐसा है, अरे शुक्रिया शुक्रिया, हमने इनको आधा पैसा देने के लिए कहा था। दोस्तों खूब कहकाऊ की बरसात की हमारे भाई सर्वेश अस्थाना ने, और मैं सोचने लगा कि ये माना जिंदगी में गम बहुत हैं। वो ये मैं सुना चुका, जहाँ गुम कर दिया था कहकाऊ ने, मुझे फिर से वो राहें मिल गई हैं। तुम्हारा शुक्रिया है हंसने वालों, मेरे गम को पनाहें मिल गई हैं। गज़ल की पूरी तहजीब के साथ आइए मुशायरे में आ जाएं। इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूं जनाब आज़म अब्बास साहब को, जनाब अतीक अंजर साहब को, जनाब शाहिद खान साहब को, रफ़ीउद्दीन साहब को, और पूरे कारवान उर्दू कतर के ज़िम्मेदारों को, इसलिए कि आपने जनाब मुनव्वर राणा का जश्न करके और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर ये साबित किया है कि रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पाँव में। बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया, बहुत मुबारकबाद। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये कारवान उर्दू है इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उनकी दूसरी हैसियत का भी फ़ायदा उठा लिया जाए। वो एक संजीदा और बावकार शायर भी हैं। उन्होंने ज़िंदगी की हज़ार नाहमवारियों के बावजूद अपने कलाम में गज़ल की जमालियात को महफूज रखा है। जनाब अतीक अंजर नाम व नमूद की उन्हें परवाह नहीं, शोहरतों से बेनियाज रहते हैं, उर्दू के ऐसे ही चराग जलाते रहे हैं। अतीक अंजर साहब अपने दोस्तों के साथ हमारी दुआएं और कुछ शेर आपने सुना है। नाज़रीन, अजीज नबील साहब ने नज़्म सुनाई, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि नज़्मों का की रिवायत जो रही है वो ख़त्म होती जा रही है मुशायरे से, और उसको ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी टूटी फूटी शायरी का आगाज़ जो है मैं नज़्म से करना चाहूँगा। वाह, और इसका उन्वान है, ढूंढ रहा हूँ मैं इंसान। क्या कहना, नज़्म शुरू होती है, देखिए बस इससे थोड़ा जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि नज़्म जो है पूरी तरह से जो है बनी रहे। साहब नज़्म शुरू होती है कि धरती किसकी खोज में फिरती रहती है, धरती किसकी खोज में फिरती रहती है, सूरज किसकी याद में जलता रहता है। वाह, धरती किसकी खोज में फिरती रहती है, सूरज किसकी याद में जलता रहता है, अंबर की गहरी नीली चादर पर चांद सितारे किससे मिलने की ख्वाहिश में ऊँघते रहते हैं, अंबर की गहरी नीली चादर पर चांद सितारे किससे मिलने की ख्वाहिश में ऊँघते रहते हैं, जर्रा जर्रा दुनिया का है किसके वास्ते गर्दिश में, क्या कहना मुझको क्या मालूम। वाह, मुझको क्या मालूम, मगर मैं खुद भी कितनी सदियों से धरती सूरज चांद सितारों की मानिंद परेशान हूँ, अपनी खोज में रखता हूँ, अपनी खोज में रखता हूँ, और नज़्म जो है ख़त्म होती है, अपनी खोज में रखता हूँ, इस धरती पर सिर्फ फरिश्ते मिलते हैं या फिर शैतान, ढूंढ रहा हूँ मैं इंसान। वाह वाह वाह, ढूंढ रहा हूँ, क्या कहना है तेरे अंदर। वाह 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 वाह। और एक नज़्म और सुनाना चाहूँगा मैं, उन्मान है इसका, सर्द खून का इंसान। सर्द खून का इंसान नज़्म शुरू होती है, थोड़ी सी शुरू में दुश्वारी होगी लेकिन वो रिस्क मैं लेना चाहता हूँ नज़्म सुनाने के लिए। सर्द खून का इंसान, किताबों में मैंने पढ़ा था, किताबों में मैंने पढ़ा था कि लाखों बरस कबल रूए जमीन पे जो इंसान थे उनका खून सर्द था। किताबों में मैंने पढ़ा था कि लाखों बरस कबल
मौसम जमी का अचानक जो बदला, तो ठंडे लहू वाले हैवान सारे फना हो गए, तो ठंडे लहू वाले हैवान सारे फना हो गए, और उनकी जगह कुछ नए जानवर जिंदगी की अलामत बने। खून में जिनके गर्मी है, जो बोलते और समझते भी हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये गलत है। अगर गर्म है खून इंसान, तो फिर जुल्म पर खोलता क्यों नहीं? क्या कहना है? पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये गलत है। जिधर देखता हूँ उधर खून की नदियां बह रही हैं, जिधर देखता हूँ उधर जुल्म की आंधियां चल रही हैं। अगर गर्म है खून इंसान, तो फिर जुल्म पर खोलता क्यों? तो फिर जुल्म पर खोलता क्यों? जानता है तो फिर बोलता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। सितम को सितम जानता है, तो फिर बोलता, फिर बोलता क्यों नहीं है? और इजाजत दे तो दो चार शेर। एक मतलब एक शेर है के ख्वाब आंखों में सिकंदर का लिए फिरते। क्या मिश्रा है? आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो, दिल मगर सीने में तीतर का लिए। आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो, आंखों में सिकंदर का लिए फिरते हो। शुक्रिया। दिल मगर सीने में तीतर का लिए फिरते हो, और ये शेर भी इसके साथ देख लें, दिल मगर सीने में तीतर का लिए फिरते हो। और अजीम भाई थोड़ा सा जुड़ जाइए शेर के साथ इस पे भी, दिल मगर सीने में तीतर का लिए फिरते हो, और बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, तुम भी एहसान समंदर का लिए फिर। बादलों इतना भी इतराना नहीं है अच्छा, नहीं है अच्छा, समंदर का लिए एहसान समंदर का लिए फिरते हो। वाह। और एक मतला आखिरी तीन चार शेर देख लें, ज्यादा चाहूंगा। मैं अपने सर सभी इल्जाम लूंगा, मैं अपने सर सभी इल्जाम लूंगा, मगर हर दम उसी का नाम है। वाह। मैं अपने सर सभी इल्जाम लूंगा, मगर हर दम उसी का नाम लूंगा, मैं जिसके वास्ते जान दे रहा हूँ। वाह। मैं जिसके वास्ते जान दे रहा हूँ, उसी के हाथ से इनाम लूंगा। अरे क्या कहना है? मैं जिसके वास्ते जान दे रहा हूँ, वाह वाह वाह, उसी के हाथ से इनाम लूंगा, उसी के हाथ से इनाम लूंगा। और ये शेर के खफा होता है तो हो जाए सूरज, खफा होता है तो हो जाए सूरज, मैं दिल की रोशनी से काम लूंगा। खफा होता है तो हो जाए सूरज, मैं दिल की रोशनी से काम लूंगा, मैं दिल की रोशनी से काम लूंगा, मैं अपने सर सभी इल्जाम लूंगा, मगर हरदम उसी का नाम लूंगा, और तुम्हारी राह में दुख दर्द क्या है, तुम्हारी राह में दुख दर्द क्या है, मैं हंसकर मौत का भी जाऊंगा। वाह 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 वाह। जनाबे अतीक अंसर, सुबह बनारस से जिनका ताल्लुक, ये वहां जिस कदर खुशबूदार